भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है। सीनियर प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में कप्तान धवन टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। टीम इंडिया के पास इस सीरीज को जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका भी होगा। दरअसल अगर भारत टीम वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में हराने में सफल रहती है तो कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत यह लगातार 12वीं बायलेटरल सीरीज पर कब्जा करेगा, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड भी होगा। भारत टीम इस समय एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा बायलेटरल वनडे सीरीज जीतने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 ओवर के फॉर्मेट में आखिरी सीरीज साल 2006 में गंवाई थी और उसके बाद से टीम 11 बायलेटरल वनडे सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 बायलेटरल सीरीज पर कब्जा जमाया है। ऐसे में धवन की युवा ब्रिगेड के पास पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ने का भी बेहतरीन मौका होगा। वनडे सीरीज के तीनों ही मुकाबले पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जाएंगे। इस मैदान पर कैरेबियाई टीम ने 14 साल से कोई भी वनडे मुकाबला नहीं जीता है। वेस्टइंडीज को इस ग्राउंड पर आखिरी जीत साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ नसीब हुई थी।